आ रही हैं बटर की टिक्कियां। ओए ओए चैनल गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। और आज मैं आपको खिलाने वाली हूँ ऐसे यहाँ के मोमोज तो मैं आपको सिर्फ टाइम पास के लिए खिलाऊंगी, बट आज ऐसा बर्गर मैं आपको खिलाऊंगी गाजियाबाद के जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं सब मतलब दिल से एकदम दिल खुश हो जाएंगे। ये रहा बर्गर। सबसे पहले मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ। भाई ये रही भीड़ यहाँ पे खतरनाक। और ऊपर देखो भाई मुस्कान स्पेशल हॉट डॉग, इतनी भाई बर्गर बन रहे हैं इस पे। तो गाइस यहाँ पे इतना बंडल ऑफ इन लोगों ने बर्गर यहाँ पे रखे हैं। और आप देखोगे अभी कैसे ये टिक्की पे टिक्की, भाई बटर की टिक्की पे टिक्की फेंके जा रहा है। अभी तो उन्होंने एक साइड का भी नहीं सेका है। इमेजिन भाई बहुत ज्यादा क्राउड होता है, एक बल्क में जितने बनाता है ना ये। भाई सब तीन लोग लगे हुए इस जगह पे लिटरली। आप इमेजिन करो एक छोटे से स्टॉल पे तीन लोग, एक बंदा वहां से चटनी लगा के दे रहा है, एक बंदा पूरी फिलिंग विलिंग करके असेंबल करके सब कुछ उस बोर्ड पे रख रहा है सारा का सारा गर्म करने के लिए। इमेजिन गाइस, ये देखो भैया कैसे पलटा रहे हैं टैलेंट भैया का। दो पनीर बर्गर। तो भाई ये जा रही है बटर की टिक्कियां। ओए ओए इसके बाद तो भाई ये मिल रहे हैं हम लोगों को ट्रायल देखो काम करने का। और भाई दो चीज आपको खाने में फिर चीज वाले नहीं हो गई स्ट्रीट देखो पनीर हॉट पनीर वाला। तो इतने बर्गर इनके पास बन रहे हैं, इतने बल्क में बनते हैं। इमेजिन 50-50 बर्गर एक उसमें, और फिर आपको तब जाके ये मिलता है भाई। ज़रा सा इमेजिन। तो ये है बर्गर यहाँ का भाई, इतना सारा बटर डालने के बाद में, इतना ज़्यादा बटर डालने के बाद में ये है। तो मैंने लिया मसाला वाला जो 50 रुपीज़ का आता है, और फिर चीज़ आता है 60 रुपीज़ का। यहाँ का फेमस बर्गर भाई, बहुत भीड़ होती है। एक इनकी शॉप है सामने भी मुस्कान हॉट डॉग अगर आपको दिख रहा हो, और एक है यही वाली। गाइस मैं आपको खा के दिखाने वाली हूँ कैसा ये बर्गर। गाइस आपको एक खूबसूरत ब्यूटी दिखा दूं यहाँ पे। हायाबुसा है, वाओ। तो भाई मुझे तो पता भी नहीं कौन सी बस, मुझे तो दिखने में अच्छी लगती है, मुझे आदित्य ने बताया। तो आदित्य ये कितने की आती है यार? 30 लाख। 30 लाख? 30 लाख? ओ भाई इतने में तो आदमी घर ले ले एक छोटा सा 1 आर के। भाई साहब क्या सुंदर लग रही है। खाने जा रहे हैं एक और सेकंड राउंड ऑफ इस बर्गर का, जो कि आदित्य गया है पीछे लेने के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ स्पेशल बता दूं कि ये जो मुस्कान स्पेशल है जो लेफ्ट साइड में आपको है, यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी है भाई, लिटरली बहुत पुरानी। जो इस साइड खुली है ये उतनी पुरानी नहीं है, इसलिए लोग इतना वो नहीं कर पाते, पर ये सेम ही शॉप है क्योंकि यहाँ से बर्गर वहाँ भी जाते हैं बनते हुए, मैंने देखा है लाते हुए इधर उधर करते हुए इन लोगों को। तो बट जो भी है भाई बहुत टेस्टी बर्गर है, आके डेफिनेटली खाना। ये कवि नगर एरिया है गाजियाबाद में, कवि नगर एरिया जो मेन लोकेलिटी है, मेन रामलीला ग्राउंड से जस्ट
स्ट्रेट आना है आपको, मतलब अगर आप रामलीला ग्राउंड आपके बैक साइड में तो लेफ्ट आपको आना है एकदम। इतनी भीड़ है यहाँ पे भाई, स्लॉट पे स्लॉट बन रहे हैं और वो बर्गर देने को फाइनली मिल गया। ऐसे ही दिखाओ सेल्फी तो ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे आके पीछे का आना चाहिए ना। बर्गर आ नहीं रहा, बर्गर टिशू आ रहा है। गाइस बर्गर खाने के बाद में फिर आपको आना है राजनगर में आरडीसी में लस्सी पीने के लिए, क्योंकि आज चाय वाला नहीं था इसलिए मैं लस्सी पी रही हूँ। तो गाइस ये था बर्गर, बहुत ही फेमस यहाँ कवि नगर का, जो यहाँ गाजियाबाद में मिलता है। आई एम श्योर हर किसी को पता होगा, पता है तो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलेंगे हम फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।